और बात सबसे पहले करते हैं किसान आंदोलन की। दरअसल दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के 50 दिन पूरे हो चुके हैं और अब तक सरकार और आंदोलनकारी किसान संगठनों के बीच में वार्ता कई बार हो चुकी है, लेकिन नवे दौर की बातचीत होनी है। अब बात वहीं अटकी है जहां पहले दिन थी। कल 10वें दौर की बैठक होगी, लेकिन इस सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि किसानों के आंदोलन की राह क्या होगी। आखिर अन्नदाता कब तक खेत वापसी करेंगे? इस आंदोलन में अगर इसको उठाना पड़ेगा तो 1000 के आसपास लोग मारे जाएंगे। जैसे वो हुक्म करेंगे हम वैसा उसका पालन करेंगे। हम जो भी करना चाहेंगे, जो हमें मैसेज मिलेगा करेंगे, जिंदगी परवाह नहीं करेंगे। दिन भारत सरकार आंदोलन चलाना चाहेगी, आंदोलन चलवा लेंगे। 50 दिन से आंदोलन पर डटे इन किसानों में जोश है, जज्बा है, लेकिन उस पर भारी होती जा रही है एक जिद। मीटिंग हो चुकी है, उसमें कोई सिट्टा नहीं निकला है। सुप्रीम कोर्ट में हम जाके क्या करेंगे? जो उन्होंने कमेटी बनाई है, जो कोई भी कमेटी बनती है, कमेटी तो किसी भी कानून को ठंडे बस्ते में डालने के लिए बनती है। दिल्ली के सिंघू, गाजीपुर और टिकरी बॉर्डर पर 50 दिनों से डटे हैं किसान। जिद है कि वो जो कह रहे हैं उसे सरकार सुने भी और जस का तस माने भी। दूसरी तरफ सरकार है जो खुले मन से चर्चा और बदलाव के लिए तो तैयार है, लेकिन तीनों नए कृषि कानून को वापस लेने की मांग को सिरे से खारिज कर दिया है। तीन कानून की प्रतियां जलाई है, ये जला के हमने सरकार को ये सिग्नल दिया है कि इसी तरह ये बिल जो है एक दिन हमारे गुस्से की भेंट चढ़ेंगे और सरकार को इनको वापस लेने चाहिए। अगर जिद का रोड ब्रेकर इसी तरह अपनी जगह कायम रहा तो फिर आगे क्या होगा? किसान नेताओं की धमकियों ने चिंता और बढ़ा दी है। शूट का ऑर्डर करे सरकार, गोली का ऑर्डर करे, वो उन्होंने तैयारी कर रखी कि इस आंदोलन में अगर इसको उठाना पड़ेगा तो 1000 के आसपास लोग मारे जाएंगे। ये सरकार मान रही है, लेकिन वो गलत मान रही है, ज्यादा मारे जाएंगे लोग। किसानों का नया साल खुले आसमान के नीचे मना। साल का पहला त्योहार लोहड़ी बॉर्डर पर मनी। मकर संक्रांति पर भी किसान घर नहीं लौटे। किसानों से अब तक की हर अपील बेअसर रही है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर कब तक? अगर किसान, सरकार, संसद, सुप्रीम कोर्ट सबका अनादर करेंगे तो लोकतंत्र की नींव हिल जाएगी, और ये न तो किसानों के हित में है और न ही राष्ट्रहित में। गणतंत्र दिवस से पहले किसानों का ट्रैक्टर मार्च तो होना चाहिए, लेकिन ये ट्रैक्टर मार्च राजपथ की ओर नहीं बल्कि अपने अपने खेतों की ओर हो तो पूरा देश कहेगा जय किसान, जय संविधान, जय हिंदुस्तान।